फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ चेहरे पे चमक लाने के कुछ अचूक आसान घरेलू उपाय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चेहरे पे चमक लाने के कुछ आसान घरेलू उपाय के बारे में, कुछ ऐसा अचूक घरेलू उपाय के बारे में जिसका आप प्रयोग करके आसानी से अपने चेहरे पे चमक ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्लोइंग चेहरा पा सकते हैं। तो मैं आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि किन चीज़ों का आप पेस्ट बनाकर अपने स्किन पे लगाते हैं तो आपका चमक आ जाएगा स्किन पे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको चेहरे को ग्लोइंग करने के लिए यानी कि फेस को कालापन को दूर करना है, चेहरे को ग्लोइंग करने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए मैं कुछ ऐसा तरीका बता रही हूँ, घरेलू तरीका, जिसका आप पेस्ट बनाकर आसानी से अपने चेहरे को ग्लोइंग कर सकते हैं और चमक ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, एक चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जेल चाहे तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं या आपका घर में यदि एलोवेरा उपलब्ध है तो उसका आप जेल निकाल सकते हैं। तो आपको लेना है एक चम्मच एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद लेना है शुद्ध शहद एक चम्मच। आपको शहद आसानी से मार्केट में मिल जाएगी तो आपको लेना है शुद्ध शहद एक चम्मच, एलोवेरा जेल एक चम्मच और आपको लेना है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हल्दी लेना है आपको, कच्चा हल्दी का यदि आप उसमें डालते हैं कच्चा हल्दी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कोशिश करें कि गाँठ वाला जो हल्दी होता है कच्चा उसका ही प्रयोग करें। तो हल्दी आप आधा चम्मच डालें। उसके बाद आपको लेना है दूध। दूध आप एक से दो चम्मच डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, दूध उबला नहीं डालना है, आपको कच्चा दूध डालना है। जी हाँ दोस्तों, आपको डालना है कच्चा दूध और इन सभी को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यानी कि आपको अच्छी तरह से इसको मिला लेना है और इसका पेस्ट तैयार करना है। फ्रेंड्स, जब आप अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसका पेस्ट तैयार जब हो जाएगा तो इसको आप अपने स्किन पर लगाएं। फ्रेंड्स, लगाकर 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें, इसको सूखने दें अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, यदि आप ऐसा रेगुलर करते हैं, आप इसका रेगुलर प्रयोग करते हैं तो इससे आपका चेहरे का चमक बढ़ने लगेगी, कालापन जो है दूर होने लगेगा और चेहरे में ग्लोइंग आने लगेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा और आसान घरेलू नुस्खा है, चेहरे के कालापन को दूर करने में भी बहुत मदद करता है और चेहरे पर यदि आपका चमकने ग्लोइंग भी, चेहरा बहुत ही आसानी से इस घरेलू नुस्खे से आने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस आसान घरेलू नुस्खे को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखेंगे, इससे आपका चेहरे का जो कालापन है, ग्लोइंग नहीं आ रहा चेहरे पर, झुर्रियाँ आ गई, इसे बिल्कुल ठीक हो जाएगी इस घरेलू नुस्खे से। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।